यह रिपोर्ट हमें बताती है कि आजकल राजनीतिक दल सिर्फ आज से ही नहीं सालों से जनता को बरगलाते आए हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का पहला घोषणा पत्र 1993 में आया था। 1993 में घोषणा पत्र आने के बाद आज तक उस घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं हुए। सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल समाजवादी पार्टी से भी है, सवाल बहुजन समाज पार्टी से भी है, सवाल भाजपा से भी है, सवाल आम आदमी पार्टी से भी है, सवाल अकाली दल से भी है, सवाल उन तमाम राजनीतिक दलों से है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय जनता को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो में अन्य चीजों का जिक्र करते हैं और उन्हें बाद में पूरा नहीं करते। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। बीजेपी से संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ, वरिष्ठ नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से शरद कपिल साहब, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय अरोड़ा साहब हिंदुवादी नेता है, हिंदू शक्ति संगठन के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सवाल में सबसे पहले बीजेपी के पास आऊंगा। संजय अग्रवाल जी, बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो की, अभी करंट के मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूं, 2014 में जिस मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी आई थी चुनाव में, उसमें से कितने वादे पूरे हो गए हैं? नकुल जी, हमारे रेल के ऊपर हमने काम किया है, हमने सड़कों के ऊपर काम किया है, किसानों के ऊपर काम किया है। हमने जितने वादे किए थे हमने उनको पूरा करने का काम लगातार कर रहे हैं। अभी 2.5 साल हमको सिर्फ हुए हैं, 2.5 साल बाकी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल जब तक पूरे होंगे हमारे सारे वायदे, पहले भी जो वादे हमने किए पूरे किए हैं अटल जी की सरकार में, कल्याण सिंह जी की सरकार में, अब उनको फिर पूरा करने का काम करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला रहा हो, किसानों का मामला रहा हो, बीमा योजना रही हो, जनधन खाते रहे हो, 12 रुपए में हमारे बीमा, 1 लाख का बीमे का मामला रहा हो, एक्सीडेंटल बीमे का मामला रहा हो, हमने गरीब जनता के लिए लगातार काम किया है। और चुनावी घोषणा पत्र जो हमारा मुख्य था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, 2.5 साल में आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने कहीं कोई रिश्वत ली, कोई भ्रष्टाचार किया, एक भी किस्सा आपके सामने नहीं आया। ये भी हमारा मुख्य मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र का था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। काले धन पर लगाम लगाने में बीजेपी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार नाकाम रही है। अगर काले धन की बात करें तो नोटबंदी के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि काफी काला धन आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। आधिकारिक तौर पर सरकार ने भी ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया था। बताइए, नोटबंदी से आप काला धन लाने की बात कर रहे थे, तो काला धन तो आया नहीं? आ रहा है, जांच चल रही है, नोटिस दिए गए हैं उनको, मौका, लोकतंत्र में रह रहे हैं हम, लोकतंत्र के अंदर उनको मौका मिला है अपनी बात कहने का, अपनी सफाई देने का, उनके ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे। काला धन कमाने वाले लोग जेल में जाएंगे, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं जेल में जाएंगे। कांग्रेस के पास आऊंगा शरद कपिल साहब, आप लोग तो काफी समय से सरकार में हैं, काफी समय तक सबसे ज्यादा कांग्रेस ने देश को चलाया है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, वरिष्ठ नेता हैं आप, कांग्रेस ने हर बार नए नए चुनावी वादे किए, हर बार की बात बताऊंगा, इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर अब तक की मैं बात करूं, कितने वादे आप लोगों के पूरे हुए? हमेशा यही किया गया, जनता के साथ धोखा किया गया। कभी किसान को बेहतर बनाने की बात हुई, कभी जवान को बेहतर बनाने की बात हुई, कभी गरीबी को हटाने की बात हुई, लेकिन आज भी इतने समय तक शासन करने के बाद कांग्रेस के आज भी देश में वही हालात हैं कि एक बार भी मैनिफेस्टो आपका पूरा नहीं हुआ होगा। देखिए, जहां तक इसकी बात है, कांग्रेस ने जब भी कोई वादा किया है उसको पूरा किया है। आज देश में जो मोदी जी कहते हैं कि हम देश के विश्व में पांचवें स्तर पर आ रहे हैं, 2 स्तर पर आ जाएंगे, तो क्या 2.5 साल में सब कुछ हो गया? ये पिछले 60 वर्षों के अंदर जो देश ने बड़े बड़े मिसाइल बनाए हैं, देश में आज किसान तरक्की के रास्ते पर रहेगा, किसान को भरपूर फसल का नहीं। शरद जी, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप कह रहे हैं किसान तरक्की के रास्ते पर है, नहीं, आज किसान बदहाल है देश का, आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, आज किसान रो रहा है घर में, उस घास की रोटी खाने को मजबूर है, ये किसकी देन है? किसान की जो ये बुरी हालत हुई है, इससे पहले कभी इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई है। अभी अभी आप बता रहे थे कि किसान संतुष्ट है, किसान ने कपिल जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, कब कहा गया था जय जवान जय किसान, कब कहा गया था, कितने साल हो गए इस बात को, आपको याद होगा अच्छे तरीके से?
शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उस समय की बात है, बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने ये नारा इंदिरा जी ने आज गरीबी हटाओ, गरीबी हटी इंदिरा गांधी जी के, आज भी किसानों की हालत, इंदिरा गांधी ने जय जवान किया किसान का नारा तब, राहुल जी ने राजीव गांधी ने शासन किया 10 साल, मनमोहन सिंह जी ने शासन किया, नरसिम्हा राव जी ने किया, गरीबी हटी, एक बार संजय जी गरीबी नहीं हटी, शरद जी को बोलने दीजिए, शरद जी आप बताइए इतने साल हो गए किसानों की हालत बेकार क्यों है? इतनी बुरी हालत नहीं है जितने की आप शो कर रहे हैं, ढाई वर्षों के अंदर ज्यादा हालत खराब हुई है, ढाई साल में हालत सुधरी है। उन्होंने कहा अभी बीमा योजना के अंतर्गत किसी को कोई पैसा नहीं मिला, लगातार आप जानकारी करिए जिन लोगों ने बीमा कराया है किसानों के माध्यम से, किसानों को 1 रुपया महीने में ये सबको अगर दुर्घटना हुई है उनको पैसा मिला है, किसानों की मदद करने का काम हमारे को वाजिब दाम फसल बीमा, फसल बीमा की योजना हमने लागू की है 4%। अगर संजय जी पर कपिल जी से है, कपिल जी सवाल यही है, मैं दोबारा वही बात सवाल पूछ रहा हूँ कि इतने साल हो गए तब आया था जय जवान जय किसान का नारा, उसके बाद एक और नारा बताता हूँ, गरीबी हटाओ वाला नारा लेकिन आप आंकड़े ठाक देखिएगा, गरीबी झूठ की पार्टी है और ये बीजेपी तो आपको हटाया, मोदी जी को आपको पार्टी जनता ने आपको हटाया, इन्होंने 2G घोटाला, आज भी इतने झूठ बोल रहे हैं, नोबेल को घोटाला, अपने आलो की सरकार रही आपकी, किसानों तभी तो आपको हटाया गया, पिछले नोबेल की सरकार हमें तभी तो जनता ने दिया, किसानों को इस तरह आ जाएगा, किसान परेशान है, घोटाला तमाम साल हो गए, आप भी, मैं जय जवान जय किसान का जिक्र कर रहा हूँ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ का जिक्र कर रहा हूँ, ये बड़े नारे हैं जो फेमस हुए थे, ये बताइए इतने साल हो गए, अगर मैनिफेस्टो का अगर हम जिक्र करें, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया है और आज भी हमारे देश में गरीबों की स्थिति वही है, बहुत सारे गरीब हैं, परेशान हैं, रोडों पे सड़कों पे सोते हैं, ठंड में मर जाते हैं, कुछ नहीं पता होता, किसानों की हालत भी वही है, इतने सालों में अगर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, कांग्रेस कहती है सबसे ज्यादा हमने देश को चलाया, तो क्या किसानों को और गरीबियों का वो नहीं होना चाहिए था, उत्थान नहीं होना चाहिए था? नहीं, सबसे ज्यादा अगर बात हम देखते हैं घोषणा पत्र वाली, तो घोषणा पत्र के अंदर राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं और लोक लुभावन वादे करती हैं, चुनाव के समय पे इन वादों को फिर से खोल दिया जाता है और जो काम करने का समय होता है उसमें वे लोग काम नहीं करते, मंत्री लोग ऐश करते हैं, भागते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, अपने ड्रामेबाजी में मस्त रहते हैं, और जब 6 महीने पहले साल भर पहले जो है घोषणा पत्र में से एक आधा मुद्दा उठा लेते हैं और उसको जनता के सामने रखते हैं कि हाँ हमने इतना काम किया है। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने आज तक जितना भी काम किया है वो आपके सामने है, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया और आज तक जो है जितना भी किसान आपने केवल हिंदू, मैं आपको बता दूं, राजनीति करते हैं आप, इससे मैं आपको बता दूं, आप सही नहीं हो, मैं सभी राजनीति आपने
पब्लिक आप लोगों की बात को नहीं सुन पाएगी, आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद अच्छे तरीके से पब्लिक समझ पाएगी। मुझे बात रखने का मौका दिया जाए, मुझे बात रखने का मौका दिया जाए, मैंने इनकी बातों को अच्छी तरीके से सुना। आप बताइए, बीजेपी से हैं आप, 2014 में मोदी सरकार ने कहा था कि महंगाई पर लगाम लगाएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कहां गई महंगाई? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, मोदी सरकार कर क्या रही है? एक बार कपिल जी, पेट्रोल और डीजल हमारे हाथ में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। बात सुनने को तैयार, बात गैस की, गैस वही गैस का उत्पादन है, उतनी गैस है। कांग्रेस के सरकार में गैस लाइन सेल मिलती थी, गैस पे ब्लैक होता था। जब हमारी अटल जी की सरकार रही तब भी गैस घर पहुंच रही थी। कपिल जी, आज भी गैस घर पहुंच रही है, कोई गैस में लाइन नहीं है। हम लोगों ने व्यवस्था को पूर्ण किया है, दालें सस्ती हुई है, सब्जी सस्ती हुई है, सस्ता हुआ है, कहना चाहता हूँ पेट्रोल और डीजल क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामले में आज 24 किलोमीटर प्रति दिन हाईवे बन रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम आपके हाथ में नहीं है, डीजल के दाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दाम सरकार के हाथ में है, उनके दाम क्यों बढ़ते हैं? सबके दाम घटे हैं, दाल आज सस्ती हुई है, दाल 50% से अधिक सस्ती हो चुकी है, सब्जी आप देखिए बाजार में सस्ती है। संजय अरोड़ा जी, आप बताइए, महंगाई कम हुई, मोदी सरकार ने जो वादा किया था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे मोदी जी की फोटो के साथ। नहीं, मैं एक बात तो देख रहा हूँ, आपके टीवी चैनलों पर ही देख रहा हूँ, सभी टीवी चैनलों पर मैंने देखा कि सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं, और जो सब्जी मंडी है गाजीपुर की सब्जी मंडी, वहां पे भी स्थिति यह है कि आज सब्जी बहुत ज्यादा मंदी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किसी भी मार्केट में जाके कि सब्जियों के वास्तव में दाम गिरे हैं, और जो खाने पीने का सामान है ये सस्ता हुआ है। और ये भाजपा के शासन में ये कहा भी जाता है कि जो भाजपा का जब शासन आता है तो खाने पीने की चीज बहुत सस्ती होती है। मैं ये समझता हूँ, जमाखोरी नहीं, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो जमाखोरी पे उस पर लगाम लगती है, और दूसरी बात यह है कि जो भाजपा की नीतियां हैं, जो भाजपा नीतियां बना के चलती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा परिवार होता है। एक मिनट शरद जी, शरद जी, जमाखोरी ना हो, शरद जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, शरद जी आप बीच में मत बोले, आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था पहले, आप हमसे बात नहीं करने दी जाए, जब आपने मुझे बताया बात नहीं करने दे रहे हैं, आप आपके ऊपर शायद आरोप भी लग रहे हैं कि आप हिंदुवादी नेता। नहीं, मैं हिंदुवादी नहीं, एक समाज का नागरिक भी हूँ, और जो बात हमें हमें दी जाती है, मैं भाजपा को कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं हिंदुवादी नेता हूँ, हमें नागरिक भी हूँ, सबका शासन मुझे घर में, सबका शासन हम आपके तरह नहीं है। कपिल जी आप बताइए, महंगाई कम हुई या नहीं हुई, आप एक विरोधी के तौर पर ये आम नागरिक, ये मैं बताता हूं आपको,
आज आप महंगाई के कम की बात कर रहे हैं, वो भी तो टाइम आया है का, अभी 3 महीने पहले ही जब दाल 300 रुपए किलो बिकी, अभी नहीं बिकी, 100 रुपए किलो बिकी, 80 रुपए किलो, 80 रुपए महीने के लिए बिकी, हर चीज महंगी में आया। तो आलू, आलू देखेगा, आलू तलक में वितरण महंगा बिकाएगा, आलू बहुत महंगी में आया, एक किलो से कभी दालू पड़नी गई है। शरद भाई बात नहीं आते ही, मैं उसी उसी बात को रखने वाला था शरद जी, बात आप बात ही नहीं रखने दे रहे भाई, शरद जी आप बात ही नहीं रखने दे रहे, दर्द हो रहा है। आपने गैस का ब्लॉक किया, बीजेपी के राज में संजय अरोड़ा जी ने कहा कि बीजेपी के राज में जमाखोरी बंद हो जाती है और इसलिए शायद चीजें सस्ती हो जाती है, आपके राज में जमाखोरी क्यों होती रहती है? नहीं, जमाखोरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के जमाने में 80 रुपए किलो से कभी दाल ऊपर नहीं गई, इन्होंने जो है कई लाख रुपए तो उसे दे दिए मंगोलिया से, ये आपकी नीतियां थी जिसका सामना हर देश को करना पड़ रहा है, 7 साल में जो नीतियां कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार जाते हैं, मैं नाम मोदी सरकार भैया, वो हमारा हमने पाकिस्तान में उसके उनके लोगों को मारा, हमने आतंकवादियों को मारा, उसके मारा, हमने हमने किया आपके विरोध में कहा, पीएससी के अंदर सवालों में कहा है कि ऐसे कभी नहीं कहा, मुद्दों से भटक गए, मुद्दों पर आ गए, घोषणा पत्र के बारे में मैं उसके आपके राष्ट्रीय सचिव विदेश जयशंकर प्रसाद हैं, सवाल आज ये है कि आखिरकार जो मैनिफेस्टो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जारी किए जाते हैं उन्हें पूरा कब किया जाएगा और उन्हें पूरा करने में राजनीतिक दल कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल बीजेपी से है, सवाल तमाम राजनीतिक दलों से है कि उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र को कितने दिनों में पूरा किया, अपने वादों को कितने दिनों में पूरा किया। हालांकि चुनाव आयोग भी अब इसको लेकर सख्त दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग का कहना है कि अब वो एक एफिडेविट लेगा तमाम पार्टियों से कि अगर आप चुनाव में कोई वादे करेंगे तो आपको उन्हें पूरा करना होगा, अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है, आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। जरूरी है ऐसा एक्शन लेना, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो इतने सालों से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए, बीजेपी हालांकि अभी बात कर रही है कि वादे पूरे होंगे जल्दी जब कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन तमाम और राजनीतिक दल हैं जो आज तक जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाते आए हैं। इसी तमाम मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं सीधा सवाल में, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए समाचार टुडे।